हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो कि CGTET का जो कि एग्ज़ाम जो कि 18 सितंबर से जो कि आपका जो कि होने वाला है दिन रविवार को, उसी बेच में जो कि क्लास जो कि बैक टू बैक चल रहा है। कल पर ही इन्वायरमेंट के क्लास डाला था शाम को, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है जो कि आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आज का जो कि बाल विकास में जो कि शिक्षा शास्त्र से जो कि क्वेश्चन लेकर आए, जो कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देख। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बच्चे की जो कि बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, उसको जो कि हम जाने जाते हैं सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चे की बुद्धि जिसे 90 से 110 के मध्य होती है उसे सामान्य बुद्धि के नाम से, जिसे बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है उसे सामान्य बुद्धि है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो 6 से 14, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो बच्चे के लिए जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यहाँ लागू होता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि? तो एक बच्चे को बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है विकासी विधि। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो कि निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है जिसमें से इसमें नहीं है बोला गया है, तो भावात्मक बुद्धि इनमें से नहीं है। जिसने 7 बुद्धि का जो कि अधिमान निर्धारित किया उसमें स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि ये सब निर्धारित किए गए हैं। तो इसका भी ऑप्शन इसमें नहीं हो जाएगा। पाँचों क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे को मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120 या 100? तो जो कि इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125 के बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान जो कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा है? तो बी एन झा ने, स्किनर ने, डेविस या वुडवर्थ ने? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह कथन स्किनर ने कहा है। तो इसका बी ऑप्शन स्किनर सही हो जाएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष में? तो हिंदी अक्षरों को बालक जो कि 5 वर्ष में आयु में जो कि ये बच्चे लोग जो कि पहचानने लगते हैं, तो 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलेक्सिया है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? एलेक्सिया जो कि पढ़ने की अक्षमता होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता होती है एलेक्सिया। नवा क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे की औपचारिक जो कि संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक अवधि मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष तक जो कि मानी जाती है। तो यहाँ पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगभग 11 से 15 वर्ष आयु अवधि तक मानी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। दसवां क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 150, 280, 390 या 460? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं। तो इसका बी ऑप्शन 280 सही आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? तो पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली? तो पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक है जो अपने जो कि 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए थे, तो मनोवैज्ञानिक है पेस्टोलॉजी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन है, बालक का विकसित होता है तो सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का विकास मुख्य रूप से सिर से पैर की ओर मुख्य रूप से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर या वार्तालाकार गति या विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर यह कथन गलत है, बाकी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर यह भी सही है और वार्तालाकार गति यह भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा गया है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भावस्था नहीं पूछ रहे, तो शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, तो गर्भाधान की काल अवस्था नहीं है, तो शैशवावस्था इसमें नहीं है, बाकी डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था ये सब गर्भाधान के काल की अवस्था होती थी, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मानव जीवन के मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, तो मानव जीवन की जो कि मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास जो कि यह मनोभौतिक एकता कहलाती है मानव जीवन की, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, घड़ या सभी का, तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का, सर्वप्रथम निर्माण होता है, इसका बी ऑप्शन सिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206, 230, 270 या 320, तो जन्म के समय शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती है, तो इसका सी ऑप्शन 270 सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह में, तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह के अंदर, जो कि पहचानना प्रारंभ कर देता है अपनी माँ को बालक, तो इसका डी ऑप्शन 3 माह सही हो जाएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम, तो बालक के जो कि जन्म के समय शिशु के जो कि मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है, तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 350 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था, तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष से, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष में, तो बालक मुख्य जो कि रंगों की पहचान कर लेता है लगभग 5 वर्ष की उम्र में पहचान कर लेता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह जो कि लगभग शैशवावस्था की जो कि कार्य के अवस्था में होता है, तो इसका ए ऑप्शन शैशवावस्था सही हो जाएगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, तो प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन, तो इसमें से प्रकाश घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, तो इसका ए ऑप्शन प्रकाश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय, तो बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए तो इसको शांत किया जाना चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई है, तो 1930 में, 1887 में, 1889 में, 1590 में, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत लगभग 1930 में शुरुआत हुई है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसे प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है, तो रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति, तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिज्ञासा प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है, तो वहां असुरक्षा होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असुरक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित वह निम्न में से है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था, तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित वह निम्न में से आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो कि प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है, तो हरलॉक, जेम्स टेबर, मैकडूगल या मुनरो का, तो यह हरलॉक का
कथन है जिन्होंने जो कि व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं का प्रफुसरी जो कि प्रस्फुटित करता है। यह कथन हार्लाक का कथन है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो जॉन इंडा सिम्पसन का, गैसल, स्टेनली हॉल या जो कि ग्रीटफ्रे का। तो किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन मूल रूप से स्टेनली हॉल का यह कथन है। तो इसका सी ऑप्शन स्टेनली हॉल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था जो कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, ये साथ ही जीवन के सामान्य समायोजन यह परिभाषा देने वाले हैं, हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ELPL का। तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है कि सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन यह परिभाषा देने वाले हैं, जीन पियाजे ने इसको जो कि जीवन का सामान्य समायोजन यह परिभाषा देने वाले जीन पियाजे हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे अगले क्वेश्चन इसी तरह का आएंगे, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। तो चलिए बस आते इतनी।